शुक्रवार को जिला परिषद सभागार में स्वच्छता ही सेवा सरपंच संवाद का आयोजन किया गया। इस संवाद कार्यक्रम में ग्रामीण इलाकों के कई जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान स्वच्छता से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में आए सरपंच जनप्रतिनिधियों ने गांव में चलने वाले स्वच्छता अभियान को लेकर पूरी कार्यप्रणाली को जिला परिषद सीईओ मयंक मनीष सहित जिला प्रमुख ममता कुंवर के सामने रखा। स्वच्छ भारत स्वच्छ गांव के तहत गांव में होने वाली साफ सफाई और स्वच्छता को लेकर जनप्रतिनिधियों ने मौजूद लोगों को इसकी जानकारी दी। गांव में आय का जरिया किस तरह बढ़ाया जाए, इसको लेकर भी कार्यक्रम में चर्चा की गई। इसके साथ ही गीला और सूखा कचरे के साथ ही किस तरह गांव को पॉलिथीन मुक्त रखा जाए, इस पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान सभागार में कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। स्वच्छ भारत मिशन में ये है कि जैसा कि हमारा प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हर गांव साफ सफाई युक्त होना चाहिए, और आज हमने इस बैठक में गांव से सरपंच और सचिवों को बुलाया है और उनसे हमने सुझाव भी लिए हैं और उनको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है गांव में उसके सुझाव लिए। और हमें यू सरपंच अगर अपने स्तर पर गाँव में अगर सफाई का अभियान चलाए खुद और इसमें महिलाओं को भागीदार बनाए तो ये हम स्वच्छ जो हम चाहते हैं कि हमारा गांव स्वच्छ होना चाहिए वो हो सकता है, क्योंकि महिलाओं को ही घरों में ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि कचरा महिलाओं के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है कि कचरा संग्रहण करना, डालना, कहाँ डाले, क्या करे महिलाओं के लिए। तो हमने जैसे कि अगर जिला परिषद के माध्यम से SBM के माध्यम से अगर हम जो भी कर पाएंगे हम हमारे हिसाब से करेंगे, और अगर जो सरपंच जो गांव अच्छा कार्य कर रहा स्वच्छता में तो उसके लिए हम SBM से अगर गाड़ी की व्यवस्था होगी तो भी हम हमारे हिसाब से करने की पूरी कोशिश करेंगे। और गाँव हमारा तो यही उद्देश्य है कि गाँव में स्वच्छता रहे और इससे गाँव में बीमारियां नहीं फैले। अभी जैसे कि मलेरिया भी ज़्यादा चल रहा है, तो गाँव में अगर स्वच्छता रहेगी तो मलेरिया डेंगू जैसी बीमारियाँ नहीं फैलेगी। और गाँव में सबसे ज़्यादा ये है कि गाँव में जैसे महिलाओं को अगर सरपंच सचिव ये महिलाओं को जाके महिलाओं की एक टीम बना के अगर महिलाओं को समझाए कि हमारा गांव स्वच्छ साफ सफाई युक्त होना चाहिए और उनको भी इसमें भागीदार बनाए तो हम जो हमारा जो प्रधानमंत्री जो सपना देख रहे हैं कि हमारा गांव स्वच्छ हो तो वो हो सकता है।